हेलो फ्रेंड, राम राम, नमस्कार, कैसे हैं सब? बढ़िया। मम्मी जी से बात करी? करना जरूरी है, चाहे मम्मी जी सवेरे से लेकर शाम तक तुम्हारे काम करती है और मम्मी जी से कछु ना पूछ के काम करो है तो वो गलती होता है। और वैसे हम बताएं, आजकल मम्मी जी भी बड़ी फेमस हो रही है, चाहे गाना निकल आया है मम्मी जी करके। तो हम सोचे कि भाई कैसे बात करें मम्मी जी के बारे में, तो हम सोचे कि प्राजक्ता को बुला लेते हैं, उन्हीं से बात करते हैं, चाहे उन्हीं ने गाना गाया है। तो स्वागत करते हैं प्राजक्ता आपका, 7 बजे के आगे। नमस्ते मौसी जी, कैसी हैं आप? कि हम तो बढ़िया हैं, आप बताइए। मम्मी जी से सवेरे से लेकर अब तक कितनी बार बात होती है? बहुत बातें हो रही हैं और लोग भी बहुत बातें कर रहे हैं मम्मी जी के बारे में। हाँ ये बात तो है, लेकिन गाना इतना बढ़िया लेकर आई हैं। और जानना चाहेंगे, ये वर्ड है ना मम्मी जी, बड़े नॉर्मल वर्ड है। मतलब हर दिन हम हर दिन क्या 24 घंटे में हमें लगता है कि कम से कम 100 बार तो मम्मी जी खाना दे दीजिए, मम्मी जी ये दे दीजिए, मम्मी जी निकलता ही है। लेकिन ऐसा जी कैसा जादू चला कि आपके दिमाग में आया कि इस पर गाना गाया जाए? मेरे दिमाग में तो नहीं आया ये शब्द, और ये लिखा जिसने है वो मनन भारद्वाज, हमारे दोस्त हैं। उन्होंने लिखा है, उन्होंने कंपोज भी किया है, प्रोड्यूस भी किया है, रैप भी गाया है। तो ये सारा आइडियलाइजेशन और ये सारा क्रेडिट तो मनन को जाता है। बाकी गाना गाने में भी हमको बहुत मजा आया, और यूनिक इस गाने के बारे में यही है कि मैं और हिमानी हम दोनों ने मिलके गाया है मम्मी जी जो गाना है, और मनन जो कंपोजर है उन्होंने एक-एक शब्द, लिटरली एक-एक शब्द, जिस तरह हम बोल रहे हैं, जिस तरह गा रहे हैं, वो एक एक शब्द हमारा सिंक किया है, और ऐसा लग रहा है कि वो एक ही आवाज है जबकि दो लोगों ने मिलके गाया है। सो ये थोड़ा अलग है इस गाने के बारे में। देखिए, प्राजक्ता और हिमानी, ये जोड़ी जो है ना, बहुत बढ़िया बढ़िया गाने गाती है। और हम आपका देखते हैं इंस्टाग्राम में, आप दोनों मिलकर गाना गाती हैं, लगता ही नहीं है कि अलग अलग आवाज है। लोग बोलते हैं जी क्या कहते हैं, एक ही माँ के पेट से 2 बच्चे जन्म जन्म लेते हैं। हमें लगता है कि पता नहीं अलग अलग माँ के पेट से जन्म लिया है, लेकिन आवाज दोनों की सेम की सेम है। क्या कहेंगी? जी एक्चुअली आवाज हमारी बहुत अलग है, हिमानी की आवाज मुझसे और मेरी उससे बहुत अलग है, हमारा टिम्बर बहुत अलग है, पर वही है कि साथ रह रहे कि हम ये जान गए हैं कि किस तरह सिंक करना है अपनी सिंगिंग को, और वो सिंकिंग अच्छा हो गया है आई थिंक, साथ में गा गा के या साथ में रह रहे के काम कर करके। सो या दैट आई थिंक वो रीजन है। अच्छा, जानना चाहेंगे, ये गाना है ना मम्मी जी, पहली बात तो देखिए, पहले जमाने में क्या होता था, गाना गाए जाते थे तो राइम होता था और शब्दों को एकदम नाप तोल के बोला जाता था। लेकिन इस गाने की खासियत ये है कि जो नॉर्मली हम बात करते हैं ना, नॉर्मली वो शब्दों को लेकर राग अलापा गया है, मतलब राग में डाला गया। तब जब गाना आपके पास आया था, तो सबसे पहले प्राजक्ता और हिमानी आप दोनों के पास साथ ही में आया होगा, तो क्या विचार विमर्श किया आप लोगों ने उस समय बैठ के? जी तो गाना हमको जब हमारे दोस्त ने सुनाया, मनन ने, उन्होंने पहले हमसे गवाया था जो कि शूट के लिए जाना था, शूट मिक्स के जैसे हम लोगों ने गाया था जिसपे गाना शूट होना था। फिर वो गाना शूट होकर आया और हमें दिखाया गया, इतना कमाल का वो शूट हुआ है, मौनी इज लुकिंग सो गुड, इतना अच्छा उन्होंने डांस किया है, वो इतनी कमाल दिख रही है उस वीडियो में। तो तभी अंदाजा आ गया था कि यार ये गाना तो बढ़िया चलने वाला है, शायद लोग जरूर इसको देखेंगे और सुनेंगे। और जब गाना उसने सुनाया भी था हमको, तो उसका जिस तरह का बीट है या उसका जो हुक लाइन है कि या किराया हो गया बर्बाद, बहुत घूम रहा था सुनने के बाद भी दिमाग में, क्योंकि लाइक आपने जैसे कहा ना कि इतना सरल है और इतना उससे आप कनेक्ट कर सकते हो इंस्टेंटली कि वो दिमाग में घूमता रहता है, वो रह जाता है दिमाग में। तो आई थिंक यही इस गाने की खास बात है, और यही रिएक्शन था हमारा कि यार दोस्त ये गाना तो चल रहा है दिमाग। बिल्कुल सही। देखिए, अभी आपने थोड़ा सा गुनगुना दिया, हम सोचे कि लाओ भैया पूरा गा देते तो बढ़िया था, तो जब गाया नहीं तो अब गा दीजिए। जी बिल्कुल। बता अब किस कचहरी जाऊं, किसका दरवाजा खटकाऊं, किसको हाल अपना सुनाऊं, ये बता दो मम्मी जी, लगा है कर्फ्यू मेरे घर में, घूमे सैया मेरा डर में, पता नहीं किस बात की टेंशन है, बता दो मम्मी जी, किया कराया हो गया बर्बाद मम्मी जी, हर बलम मेरा सो गया कल रात मम्मी जी, रे किया कराया हो गया बर्बाद मम्मी जी, हर बलम मेरा सो गया कल रात मम्मी जी। वाह, देखिए पता है, हम सोचे जब हम गाना सुने ना, तो हम लोग बस यही गाने का इंतजार था। कैसे? देखिए, प्यार के गाने, नफरत के गाने, गुस्से के गाने, उदासी के गाने, फ्रेंडशिप के गाने, दुनिया भर के गाने आ गए थे। लेकिन जी जो लड़की की शादी होती है और शादी के तुरंत बाद लड़की अपनी माँ को तो भूलती नहीं है, हर समय फोन करती रहती है, ये गाना परफेक्टली उसके लिए बनाया गया है।
नई नवेली दुल्हन जो माँ को छोड़ के गई है, जी सही कही थी। जी 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 बिल्कुल। और आसानी से आप अपनी बात भी कह जाओ और किसी का मन भी ना दुखे, मस्ती मस्ती में बात भी निकल जाए, एकदम ऐसा गाना है। बिल्कुल। अच्छा वैसे एक बात बताएं, इस गाने को हर एक बोल में मतलब ये चीज बताई गई है कि हम जो लड़कियां होती हैं शादी के बाद वो अपनी माँ से पूछती हैं कि मम्मी जी खाना कैसे बनाना है, मम्मी जी सेवा कुसामा कैसे करें, मम्मी जी खुश कैसे करना है। आपसे जाना चाहेंगे प्राजक्ता, आपकी शादी तो नहीं हुई है लेकिन उससे पहले अभी भी आप जी मम्मी को फोन करती होंगी इसी तरह से। जी जी मैं मम्मी से इस बात, इनफैक्ट उनकी शिकायत रहती है आजकल थोड़ी कि कम कॉल करती है काम में अगर टाइम नहीं मिलता तो। बट मम्मी ऐसा एक आई थिंक इमोशन है कि आपका एक्सटेंडेड वर्जन बोलते हैं ना, कि कोई भी दिक्कत हो इमोशनली या आपको बीमार भी हो रहा, मम्मी कैसा हाथ एक से आ जाता है ना सिर पे तो आपकी बीमारी गायब हो जाती है, या मम्मी प्यार से एक निवाला खिला देती है तो उससे जो संतुष्टि मिलती है। तो आई थिंक मम्मी का प्यार, मम्मी का दुलार और लाड़ कोई इस दुनिया में उसका रिप्लेसमेंट नहीं है। और मम्मी से थोड़ी देर बात करके ही बहुत अच्छा लगता है। मतलब वही कहते हैं कि माँ बाप जो आपको फील कराते हैं कि आप अभी भी छोटे हो, आप चाहे कितनी भी उम्र में बढ़ जाए, वो फीलिंग इतनी सुंदर है कि कोई है आपके ऊपर, किसी का हाथ है और कोई है बिल्कुल जिससे आप बात कर सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल सही। अच्छा एक बात बताइए, जब ये गाना आया मम्मी जी, तो आपकी मम्मी जी ने आपके इस गाने मम्मी जी को क्या क्या बातें कही और क्या क्या कहा? मेरी मम्मी को बहुत मजा आया गाना सुनकर और बहुत खुशी हुई कि अच्छा ये गाना तो इतना चल रहा है। और हालांकि वही उन्होंने भी अभी तक थिएटर में देखा नहीं है वो गाना जाके ऐसे, और ना ही हमने देखा है अब तक, तो उनको तो इसी बात की बहुत खुशी है कि मेरी बेटी का गाना इतना चल रहा है, इतना हिट हो रहा है और कुछ अलग तरह से, क्योंकि जनरली मेरी आवाज में मैंने रोमांटिक सॉन्ग्स या इस तरह के गाने ज्यादा गाए हैं, तो आइटम सॉन्ग जिस तरह आया है और इतना चल रहा है तो उनके लिए भी वो सुन के उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे वाह बड़ा अच्छा लग रहा है तेरी आवाज में ये गाना भी ऐसा। अरे वाह, वैसे कहते हैं देखिए एक गाना तो मशहूर होता है अपने शब्दों से, अपनी धुन से, अपनी बीट से, और साथ में अगर कोई कलाकार थिरक दे और लोगों का फेवरेट हो तो वो गाना सुपर डुपर हिट होता है, और इनमें तो मौनी रॉय है। अच्छा इससे पहले आपने सोचा था कि इस गाने पे कौन नाचे, मतलब आपको नहीं पता था, जब बाद में आपको पता चला कि मौनी इसमें डांस करेंगी तब आप जी लोगों का क्या रिएक्शन था? हाँ, मतलब गाना गाते वक्त तो अंदाजा नहीं था, बट मैंने आपको इसे बताया कि जब वीडियो आया हमारे पास और वो जिस तरह उन्होंने डांस किया है, जिस तरह का उनका मेकअप है, जिस तरह वो दिख रही हैं, बहुत ही कमाल। मतलब बाकी लोगों का भी मैं डांस देखा जो इंस्टाग्राम पे रील बनाते हैं या वो स्टेप करने की जो कोशिश हो रही है, बट जिस तरह वो मौनी ने निभाया है या वो दिख रही है, वो नहीं कोई कर पाया, कोई क्लोज आ नहीं पाया है उसके, तो आई थिंक 4 चांद तो उन्होंने ही लगाया है इस गाने। बिल्कुल तो सही कही। और देखिए आप लोगों ने गाया है तो 4 चांद, तो लगता है 8 चांद लग गए हैं। तो एक बात बताइए, आजकल है ना गानों का एक्सटेंशन वर्जन भी आता है, मतलब गाने तो रिलीज हो जाते हैं पूरा गाना सुनते हैं लेकिन फिर बाद में हमारे देश में इतने हुनरबाज इतने टैलेंटेड लोग हैं कि अपने शब्दों से घर में बैठ के और लाइनें जोड़ते हैं उसी धुन को हाँ लेकर जी और गाने गाते हैं, और हमें लगता है मम्मी जी वर्ड तो ऐसा है कि हर एक इंसान एक एक लाइन जोड़ता रहेगा, तो क्या इसका एक्सटेंशन वर्जन आपको दिखाई देगा? हाँ मतलब मैं देखना चाहूंगी, मेरे नजर में तो आया नहीं ना किसी ने टैग किया है, बट अगर आपको पता हो तो प्लीज शेयर कीजिए, मुझे सुन के ही बड़ा मजा आ रहा है कि देखूं जरा क्या बनाया, क्या एक्सटेंशन है। सही बात है कि ऐसे से गानों ऐसे से शब्दों के एक्सटेंशन वर्जन तो निकलते हैं और हमें लगता है कुछ नहीं तो कम से कम 10-15 दिन में तो आ ही जाएगा। जी हो सकता है बिल्कुल। चलिए इंतजार, आपको भी इंतजार हमको भी है, लेकिन दर्शकों को इस चीज का भी इंतजार है कि मम्मी जी के बाद क्या पापा जी दादाजी दादी जी ऐसा कोई गाना आएगा तो प्राजक्ता लेकर आएंगी। अगर अगर गवाए म्यूजिक डायरेक्टर्स मुझसे तो मैं तो जरूर पूरी फैमिली के लिए गा दूंगी, मेरे लिए तो सब रिश्तों के लेके गाना बन जाए मिल जाएगा, मुझे अच्छा ही लगेगा। बाकी आगे गाने क्या आने वाले हैं क्या नहीं वो तो हमको भी पता नहीं होता, हम रिकॉर्ड तो कर देते हैं, कब कब कौन सा रिलीज होगा वो रिलीज होने के बाद ही समझ में आता है कि चलो अच्छा आ गया ऐसा। बाकी इंडिविजुअल जर्नी चालू है, इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स बना रही हूँ, कंपोज कर रही हूँ, डाल रही हूँ। अभी जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में श्याम करके एक गाना है जो मैंने कंपोज किया है, गाया है, वो रिलीज किया है, तो वो भी सब दर्शक प्लीज सुने और बताए मुझे कैसा लग रहा है आपको सुनकर। और सभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर है, वीडियो नहीं है उसका, ऑडियो है, पर बड़ा ही प्यारा सा सेमी क्लासिकल काइंड ऑफ उसका
कंपोजिशन है, और जो अरेंजमेंट है वो बहुत ही आज के वक्त का इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक है, तो वो फ्यूजन आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। चलिए, मतलब त्योहार पे त्योहार आ रहे हैं और प्राजक्ता ने बता दिया है कि वो तैयार हैं हर त्योहार के लिए अपना गाना लाने के लिए, क्यों? चलिए जी जी बिल्कुल। बढ़िया है, तो इस जन्माष्टमी में हम आपका ये जो नया गाना है वो श्याम सुनेंगे, और उम्मीद करते हैं कि नवरात्रि से पहले फिर से आपसे मुलाकात हो और फिर नवरात्रि की डांडिया वाले गाने सुने। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं तैयारी करती हूँ और हम जल्द ही मिलेंगे वापस। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्राजक्ता। बाकी जाने से पहले एक गाना जो आपका फेवरेट हो और आप चाहती हो कि आप अपनी आवाज में उसे वापस से लेकर आए, तो अरे बाबा, ये सवाल ना बहुत कठिन सवाल है। मैं हमेशा हाँ इस तरह के सवाल का जवाब मेरे जेन्युइनली यही होता है कि ना बहुत सारे गाने हैं ऐसे यार, ऐसे बहुत सारे गाने दिमाग में आ जाते हैं, तो किसी एक को चुनना। आप मुझे कोई गाना आपका फेवरेट बताए और मैं वो आपके लिए अभी गुनगुना दूंगी। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में तो हमारा एक गाना अभी सब आपने जबान में बिठा दिया है मम्मी जी, उसके अलावा तो कोई नाम ही नहीं आ रहा है, एकदम मंत्र मुग्ध हो गए हैं वाह मम्मी जी को। तो कोई एक वाह, गाना क्या बात आप, है। 80s 90s और 2000 में बहुत सारे ऐसे गाने हैं, कोई तो एक गाना होगा जो प्राजक्ता चाहेंगी कि आप भी उसमें एज हीरोइन के तौर पर नजर आए, तो वही गाना क्यों नहीं? हीरोइन की तरह तो पता नहीं यार, क्योंकि एक्टिंग करना मेरे बस की बात नहीं है। गाने एक्सप्रेस हम कर देते हैं लिपसिंग के साथ में, जिस तरह हम लोग वीडियोस में आते हैं वो हो जाता है, बट एक्टिंग बहुत कठिन काम है, और वो जिनको आता है वही अच्छे से करे, वही अच्छे से निभाए तो ज्यादा अच्छी बात होगी। एक मैंने गाया था जो कि लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत पुराना गाना, पूछो ना यार क्या हुआ, उसका हमारा एक वर्जन है जो बहुत चला है और लोगों ने बहुत पसंद किया है, तो वो मैं गाती हूँ आपके लिए। पूछो ना यार क्या हुआ, दिल का करार क्या हुआ, तुम पे तो हम मर मिटे हैं अभी से, जाने हमारा आगे क्या होगा, पूछो ना यार क्या हुआ। हम बताएं, ये गाना सुनने के बाद अगर कोई मम्मी जी गाना सुनेगा ना, तो पहले तो वो विश्वास नहीं करेगा कि ये प्राजक्ता ने गाया, ठीक है? और जी फिर बाद में जब पता चलेगा प्राजक्ता ने गाया, तो सच में पता है वो खुद हैरान होगा, कैसे एकदम अलग अलग अंदाज का ये दोनों गाना है, एक एकदम सिंपल जी सोबर, एक सिंपल सोबर है लेकिन उसमें फिर भी ढिंचाक है, क्यों? जी 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 दोनों बहुत अलग है, दोनों के लिए टोनालिटी की बहुत यू नो डिफरेंस है, तो यस अलग तो है। मम्मी जी के बारे में बात करते करते हम भूल गए कि मम्मी जी के लिए चाय चढ़ाई थी, उनसे जाके चाय देना है, तो अभी आपसे प्रणाम और अलविदा लेते हैं, मम्मी जी को चाय देते हैं, हम गुंजे वाला गाना सुनाते हैं ताकि उन्हें भी अपनी मम्मी जी जी की याद आए। ठीक है मीनू मासी, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए और बहुत मुझसे बातें करने के लिए। थैंक यू थैंक बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी दर्शकों से एक ही चीज कहेंगे, सास जी और बेटे का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि देखिए मम्मी जी तो खबर आपको मिल गई है, एक ही अलावा प्राजक्ता के और गाने आने वाले हैं तो वो भी आपको पता चल जाएगा और खबरें भी आपको पता चल जाएगी, ठीक है? बाय बाय। बाय बाय।